हेलो दोस्तों, ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो मुझसे पेड स्टोरेज मॉर्फो के डिवाइस के करवाए हैं और उनका एक वेबसाइट पे वर्क कर रहा है, जस्ट लाइक आयुष्मान बात कर रहा है और उनका डीजी पे नहीं खुल रहा है या फिर स्पेशल पे वर्क कर रहा है, नॉर्मल नहीं खुल रहा है मेरे भाषा में। तो किस प्रकार से पार्ट पार्ट करके हम दोनों पे रन कर एक छोटा सा सेटिंग चेंज करने के साथ इस वीडियो पर हम बताने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपका अगर पहले से मैंने इंस्टॉल कर दिया मॉर्फो डिवाइस, तो आपको सिंपली अपने जाना है पीसी के अंदर एंड उसके बाद सी ड्राइव में। सी ड्राइव जाने का यहाँ पे आप ढूंढोगे मॉर्फो आरडी सर्विस L0 सॉफ्ट एंड सॉफ्ट लॉक के अंदर जाने के बाद आपको ऊपर से पांचवा ऑप्शन कॉन्फिगर सेटिंग के अंदर जाना है और यहाँ पे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट चीज, कम्युनिकेशन मोड जो है 1 है, इसे 0 करना। अगर 0 है तो 1 करना। अगर देखो 1 पे कौन कौन काम करता है, 1 पे आपका डीजे पे काम करता है, एयरटेल की सर्विस जो एयरटेल APS वो काम करती है, ई श्रम कार्ड है वो काम करता है, किसान पंजीकरण वो काम करता है, मतलब 1 पे बाय नेचुरल बाय डिफॉल्ट जो होता है मॉर्फो जितने काम वो 1 पे काम करता है। अगर 1 है तो इसे 0 करने पे क्या काम, 0 पे आयुष्मान भारत इट इज काम करता है। तो अगर आप आयुष्मान भारत काम कर रहे हो और डीजी पे काम नहीं कर रहा है तो इसे 0 से 1 कर दे, अगर डीजी पे काम कर रहा है आयुष्मान भारत इट इज काम नहीं कर रहा है इसे 1 से 0 कर दे। और जो भी ये वैल्यू चेंज करने के बाद आपको करना है, यहाँ पे विंडो टैप करना है और लिखना है servicess.msc और मारना इंटर। जैसे इंटर मारोगे यहाँ पे वो किसी एक पे क्लिक करके MO प्रेस करना एक साथ में और मॉर्फो आरडी सर्विस ढूंढ कर इसे रीस्टार्ट कर लेना है। आपका पोर्टल पे जब जब इस पे यूज करना है उस हिसाब से आप वैल्यू को चेंज करते रहोगे। मैंने बता दिया 0 पे कौन सा वैल्यू काम करता है, 1 पे कौन सा काम कर रही है, अपने हिसाब से आप जरूर चेक कर लेना। ये तो बात होगी पहला ऑप्शन का, इस प्रकार आप कर सकते हो। अब कुछ लोगों को मैं जब इंस्टॉलेशन करता हूं तो यहां पे TW फोल्डर के अंदर चेक करोगे, 2 फोल्डर में बना के ऑलरेडी देता हूं, नॉर्मल एंड स्पेशल, क्योंकि वहां पे 01 का आपको चेंज करना थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, भूल जाओ या कुछ ज्यादा डिलीट कर दो उसके लिए। तो ये 2 फाइल को आपको मिल जाएगा इस ड्राइव के अंदर, आप चेक कर लेना, यहां पे नॉर्मल स्पेशल बोल कर रहता है। आपको इसको चेंज कर, दोनों काम एक ही है, यहाँ वैल्यू चेंज करते हैं हम, यहाँ पे फाइल चेंज कर देते हैं। स्पेशल के अंदर भी वो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इसे कॉपी कर लेंगे अगर हमें आयुष्मान भारत से भी यूज़ करना है और बैक आएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे, वैल्यू चेंज करें। अच्छा, मैंने फाइल को ही बदल दिया और सेम service.msc वाले फोल्डर के अंदर आएंगे और MO प्रेस करके मॉर्फो आरडी सर्विस को यहाँ पे रिस्टार्ट कर लेंगे। फिर से अगर आपको मान लीजिए नॉर्मल पे यूज़ करना है तो नॉर्मल के जिसको 1 कहते हैं हम या नॉर्मल वाले हैं, इसके अंदर वही फाइल मिल जाएगा आपको। इसको कॉपी करेंगे, एक स्टेप बैक आएंगे और यहाँ पे रिप्लेस पेस्ट एंड रिप्लेस कर देंगे और फिर से मॉर्फो आरडी सर्विस जाके इसे हम रिस्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से करके आप एक साथ जिस पोर्टल में काम कर रहे हो उसके अलावा दूसरे पोर्टल यूज कर रहा है तो कॉपी पेस्ट करके आप वैल्यू चेंज कर नॉर्मल स्पेशल। मैंने 2 इसको नाम दिया, एक नॉर्मल एक स्पेशल। नॉर्मल है तो मॉर्फो स्टोर होते हैं साथ जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होता है वो नॉर्मल सेटिंग होता है, लेकिन स्पेशल जैसे कि हमें फिनो पे यूज करना होता है, आयुष्मान कार्ड पे यूज करना होता है, ये कुछ कुछ ऐसे वेबसाइट है जो नॉर्मल स्टोर के बाद काम नहीं करता तो उनके लिए वो स्पेशल में करता। तो ये 2 फाइल है जो लोग इंस्टॉलेशन करवाने के बाद इशू आता है कि भैया आयुष्मान में काम कर रहा पर आपका डीजी पे नहीं खुल रहा है, पैन कार्ड पे काम कर रहा है तो डीजी पे नहीं खुल रहा, या फिर एयरटेल काम नहीं कर रहा, या फिर पेन एयरबाय नहीं काम कर रहा है, तो ये नॉर्मल स्पेशल, ये 2 अलग अलग फोल्डर में सबमिट बना दिया है। इस पर कॉपी पेस्ट करके आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो देखने के बाद फाइल कॉपी करके नॉर्मल स्पेशल यूज करने में कोई तरह की कठिनाई नहीं होगी। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपका बनेगा, आपका बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दोस्तों, शेयर करें, चैनल पर नए पहली बार आए ऐसे नॉलेज और टेक्निकल फैक्ट वीडियो चाहिए तो चैनल अभी का अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं एक और फ्रेश वीडियो, तब तक के लिए आपका दोस्त एंड होस्ट टेक्निकल साइनिंग आउट। देखो मगर प्यार से।